एजुकेशन के फील्ड की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फ़ेस करने पड़ रहे हैं उन चैलेंजेस का जो जवाब है वो नॉलेज मैनेजमेंट का काम है और ख़ुद नॉलेज मैनेजमेंट का जो काम है उसको उसको, उसको ख़ुद से भी कुछ चैलेंजेस का सामना है तो आइए देखते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में किस तरह के चैलेंज हैं और नॉलेज मैनेजमेंट किस तरह से उन मसाइल को हल कर सकता है एक ऑथर ने हमें एक फहरिस्त दी है इसके मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि ड्यू टू राइजिंग पब्लिक अकाउंटेबिलिटी प्रेशर्स एंड स्ट्रेंस ऑन फिजिकल रिसोर्स मैनीटर्स हैव बिगन टू डिमांड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड टू एक्डेमिक आउटकम्स एज अ रिजल्ट दीज इंस्टीट्यूशन आर फेस्ड विद रिक्वायरमेंट्स टू प्रोवाइड एकट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अब ये पॉइंट हमें ये बताता है कि चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हों चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ हों जो पब्लिक फंडिंग है तलीमी इदारों के लिए या तलीम के लिए वो कम से कम होती जा रही है और इसका नतीजा ये है कि गवर्नमेंट इदारों को प्रेशराइज कर रही है कि जो हम डॉलर्स या रुपीज़ आपको दे रहे हैं हमें मॉनेटरी टर्म्स में बताइए कि इसकी आउटकम क्या है माशरे को आपने किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया है और इसका नतीजा ये हो रहा है कि इदारों को अपना तमाम रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और एक्यूरेट डाटा और इंफॉर्मेशन अपने पास भी रखनी पड़ती है और हकूमती इदारों को या लेजिस्लेशन के इदारों को प्रोवाइड भी करनी पड़ती है अब इसमें दूसरा जो इशू है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स एट मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़ प्रॉब्लमेटिक अब ये प्रॉब्लम क्या है रादर दैन हैविंग वन रोबस्ट एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम एक सिस्टम नहीं है जो अच्छा हो स्ट्रॉग हो इंटीग्रेटेड हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मोर ऑफन वन सेवरल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट सपोर्ट वेरियस फंक्शन थ्रू आउट द दर्गनाइजेशन एडमिशन का अलहदा सिस्टम है फी कलेक्शन का अलहदा सिस्टम है एग्जामिनेशन का अलहदा सिस्टम है रिजल्ट बनाने का अलीहदा सिस्टम है और बच्चों को स्कॉलरशिप देने का अलहदा सिस्टम्स है तो इस तरह का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम आमतौर पर तलीमी इदारों में नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है देर आर इनकन्सिसटेंट प्रायोरिटीज़ अराउंड डेटा कलेक्शन डेटा कलेक्शन जो है किसी इदारे के अंदर उसमें भी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी या प्रैक्टिस नहीं है विच कैन रिजल्ट इन इन एक्सेसिबल और अन रिलायबल डेटा इट ट्रांसलेट्स इन टू डिस्परे डेटा साइलोज फ्रोर्ड आर्गनाइजेशन के डेटा बिखरा होता है अपने अपने साइलों के अंदर बंद होता है रिडनडेंट डाटा गैदरिंग एंड इंफॉमेशन होर्डिंग इंफॉर्मेशन के शेयरिंग का कल्चर बनने के बजाय इंफॉर्मेशन होर्डिंग का कल्चर बनता है द कास्ट ऑफ विच इज़ एन इम्पेयरड एबिलिटी टू सस्टेन नॉलेज डिवलपमेंट इसका नतीजा क्या होता है कि नॉलेज को डिवेलप करने का जो काम है वो इम्पेयर्ड या खराबी का शिकार होता है ग्रोथ एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नॉलेज जब डिवेलप नहीं होता उसकी ग्रोथ नहीं होती तो वो फिर डिसीजन मेकिंग में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता इसके बाद कल्चरल इशू है कि कल्चरल इश्यूज एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन होर्डिंग एंड ओवरऑल डिस फॉर शेयरिंग एंड एंड क्रॉस फंक्शनल कॉपरेशन कैन अंडरमाइन नॉलेज मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कि शेयरिंग का कल्चर नहीं है इंसेंटिव नहीं है नॉलेज शेयरर के लिए तो इस इस वजह से नॉलेज मैनेजमेंट का जो काम है वो तलीमी इदारों में सही तरीके से नहीं हो सकता दीज प्रॉब्लम्स इंक्लूड पीपल्स प्रिवेलिंग एटीट्यूड्स बिलीफ अराउंड नॉलेज शेयरिंग एंड सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चरल टू शेयर एंड एक्सचेंज इंसेंटिव नहीं है एटीट्यूड नहीं है जिसके नतीजे में नॉलेज शेयरिंग का बिहेवियर उनका नहीं बनता और ये बहुत बड़ा कल्चर का जो इशू है ये नॉलेज मैनेजमेंट में रुकावट बनता है और इसमें एक और इशू जो नॉलेज मैनेजमेंट में रुकावट बनता है तालीमी इदारों में वो है के एम प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज एंड कमिटमेंट्स इन ऑर्डर टू तो फुल्ली रियलाइज़ देयर बेनिफिट्स के नॉलेज मैनेजमेंट का अगर काम शुरू किया जाए तो शुरू में उसके रिज़ल्ट इतने पॉजिटिव नहीं आते उस पर इन्वेस्टमेंट का टाइम जारी होता है तो इसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज चाहिए इसके लिए पूरे सब्र के साथ इंतज़ार करना पड़ता है उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट अपने फ्रूट्स देना शुरू करती है